अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि जी जो डिजिटल मार्केटर हैं उनके लिए जो कंटेंट है वो कैसे, उनकी आइडियाज़ क्या होने चाहिए, कंटेंट लिखते कैसे हैं या उनको कौन सा कंटेंट चाहिए होता है, जो उनकी अपनी जो सर्विसेज हैं उनके ऊपर वो कैसे जो है ना मज़ीद लोगों से सर्विसेज सेल करके डाटा ले सकते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉग पोस्ट होती है, जो कि आप अपने वेबसाइट बनाएं उसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट करें, उसमें गाइड करें लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर गाइड कर दें। उसमें केस स्टडीज़ होती हैं, उसमें कंपेन्स होती हैं, उसके बारे में बताएं, ट्रेंडिंग एनालिसिस के बारे में बताएं, इंडस्ट्री इनसाइट्स के बारे में बताएं, उसमें जो है ब्लॉग पोस्ट में टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं कि इम्प्रूविंग स्पेसिफिक डिजिटल मार्केटिंग स्किल के लोग कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखते हुए लोग आपसे उसके मतलब जो है आपसे डाटा लेंगे या आपसे सर्विसेज भी ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाती है इन्फोग्राफिक। इन्फोग्राफिक में स्टैटिस्टिक्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो आप डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेंड के हिसाब से बताएं। जैसे अब AI मार्केटिंग चल रही है जो डिजिटल मार्केटिंग को परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद तीसरी जो है वीडियो कॉन्टेंट है। वीडियो कॉन्टेंट जैसे मेरा जो आपको वीडियो मिल रही है, तो ये एक साइंस अकेडमी के पेज पर आपको मिल रही है। तो इसमें सबसे पहले ये है डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, उसमें आप डिफ़ाइन करें, उसमें डिफरेंट लोगों के इंटरव्यूज़ लें जो इंडस्ट्री से एक्सपर्ट हैं, उसके पीछे जो है सक्सेसफुल कंपेन्स दिखाएं आप लोगों को, क्वेश्चन आंसर का एक कुछ सेक्शन रख लें, वेबिनार बनाएं। ये आपके लिए एक कंटेंट जनरेशन का एक आइडिया ये भी है। चौथा नंबर पर सोशल मीडिया की पोस्ट हैं, आप डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बनाएं, उसके पोस्ट पूछें कर लें, टेक्निकल SEO के बारे में पूछ लें, आपको जो इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं आप उसमें लोगों से जो है उसमें क्वेश्चंस के आंसर्स ले लें। तो ये जो आपके लिए बड़ा बेहतरीन हो जाएगा कि जिससे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे। जो पाँचवें नंबर पे ईमेल मार्केटिंग आ जाती है, आपके पास आप डिफरेंट जो है डिस्काउंट प्रोवाइड करें लोगों को और उनको अपने डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो इशू करें, कोर्सेज करें, उसके ऊपर डिस्काउंट दें, ईमेल को सब्सक्राइब करवाएं, स्टोरीज शेयर करें, क्लाइंट्स की सक्सेस स्टोरीज शेयर करें, ताकि लोग आपके साथ वो इंटरेक्ट होंगे, जी हाँ जी ये लोग ने फलां बंदे ने इनसे काम करवाया था वो इस तरह सक्सेसफुल हुआ। तो उसके बैकएंड पे तो एक स्टोरी होती है कि किसने कितनी एफर्ट की है, मे बी ब्रांड बहुत अच्छा हो तो भी सक्सेसफुल हो जाता है, तो ये भी चीज़ें साथ देखनी पड़ती हैं। फिर पॉडकास्ट करें आप, डिफरेंट सेशंस करें, करंट डिजिटल मार्केटिंग के चैलेंजेस हैं उनके बारे में बताएं, इंटरव्यूज़ करें डिफरेंट लीडर्स के, इन्फ्लुएंसर के, रिव्यूज़ लें मार्केटिंग टूल के, प्लेटफॉर्म्स के, ट्रेंड करवाएं उनके के कौन कौन से ट्रेंड चल रहे हैं। विजुअल कंटेंट है, उसमें विजुअल ग्राफिक्स हैं, मोटिवेशनल कोट्स हैं, मार्केटिंग है, ये सारे आप इसमें बता दें। इसके बाद आपका ई बुक्स होती हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स दें लोगों को रिसर्च करके जो आपके पास पड़ी हैं, आपने जिनसे आपने सीखा वो आप उनको शेयर कर दें, टूल किट को शेयर कर दें, और फिर वो लोग जो है ना आपके साथ इसमें फ्रीली इंटैच होने शुरू होंगे। तो ये एक अच्छा है। इंटरेक्टिव कंटेंट बनाएं, आपका जो क्विज वाला सेशन है उसमें आप जो ऑनलाइन जो है उसमें क्विज में लोगों को बताएं कि जी आप इसका जवाब दें, लेकिन ये है कि आपके पेज पे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो उसके बाद आएगी ना, जब आप इतना ज़्यादा इसमें टाइम कंज्यूम करेंगे। फिर कस्टमर के साथ आप स्पॉटलाइट्स करें, उसकी सिग्निफिकेंट जो रिज़ल्ट हैं वो दिखाएं, आपने उसमें रिज़ल्ट में कौन से ऐसे काम किए हैं जो क्लाइंट्स को इम्प्रूव किए हैं, लोग आपसे सीखेंगे, और अगर सीखने के बाद भी लोगों से प्रॉपर नहीं होता देन ही वो आपको काम देंगे। तो ये एक डिजिटल मार्केटर के लिए ज़रूरी होता है कि वो इसको प्रॉपरली देखता हो और इसी तरह इसको करता हो।